सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। प्रदेश में भगवाधारी सीएम योगी की सरकार के बीच अवैध धर्मांतरण का खेला होवे जारी है। इस खेला में शासन प्रशासन के अधिकारी से लेकर निरक्षर तक के बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। यूपी पुलिस की स्पेशल इकाइयों की तरफ से समय समय पर पीएफ के लोगों का पर्दाफाश भी किया, लेकिन अवैध धर्मांतरण का खेल आज भी जारी है। बड़े बड़े मौलाना प्रोफेसर मुस्लिम धर्म गुरुओं की फौज उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में अवैध धर्मांतरण का जाल फैलाकर खेल खेल रहे हैं। ताज़ा मामला कानपुर से सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन आईएएस अधिकारी इफ्तखारुद्दीन का विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में यूपी सरकार ने भी एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी के अध्यक्ष डीजी सीबीसीआईडी जीएल मीणा होंगे और सदस्य एडीजी जॉन भानु भास्कर मामले की जांच करेंगे। खास बात यह है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट 7 दिन में शासन को प्रेषित करेगा। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तखारुद्दीन का धर्मांतरण गैंग से कनेक्शन सामने आ रहा है। इनके सरकारी आवास पर इनकी मौजूदगी में धर्म परिवर्तन को लेकर तकरीरें की गई। तकरीरों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या युहन्नास ए कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमा, इंसान के माने एक इंसान, और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होता है इसके अरबी जबान में, इसके माने कुल के कुल इंसान, टोटल मैनकाइंड। टेल द मैनकाइंड दैट ओ मैनकाइंड, आई एम द रसूल ऑफ अल्लाह टू यू ऑल इन टोटल, जमीया इन टोटल, नॉट ए सिंगल हैज बीन स्पेयर्ड। तुम सबके लिए मैं अल्लाह का रसूल, इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज दर्जा बन गई? तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। उसका बहन की मौत दर्जा बन गई इस्लाम कबूल करने के लिए? बोले जी, बताइए इसको। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो बहना हो गई, वो नंगी हो गई, सब लोग देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहां से निकल गया। मेरे बहन ने मालिक ने डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी भी है, इसको भी लोग देखेंगे मरने के बाद, ये भी ऐसी चले गई। आरोप है कि वीडियो में वरिष्ठ आईएएस लोगों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ा रहे हैं। वीडियो उनके आवास का बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच में देखा जाएगा कि क्या वीडियो में कोई अपराध प्रदर्शित हो रहा है या वरिष्ठ आईएएस की ओर से किसी नियम का उल्लंघन किया गया है। इस मामले की 2 दिन पहले ही मठ मंदिर समन्वय समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वरिष्ठ आईएएस सनातन धर्म के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं मामले में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कानपुर और उन्नाव दौरे के समय मुझे कुछ लोगों ने इस प्रकरण से अवगत कराया था, ये गंभीर मामला है, इस मामले की जांच कराएं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। का जांच हो रही है और जांच के बाद जो होगा उसके हिसाब से कार्रवाई। देखने वाली बात अब ये होगी कि प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का खेल कब रुकेगा, विदेशी फंडिंग कब रुकेगी। सवालों के किरदारों की जांच की जा रही है, किरदार में कितने और कलाकारों का चेहरा बेनकाब होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज़।